की मेहरबानियां हैं, इनायत है, लेकिन वो औरत मिसेस अहमद मुस्तफा हमारे लिए प्रॉब्लम बन सकती है। वो साबित करना चाहती है कि उसके भाई को महज इस्तेमाल किया गया है, वरना पसे पर्दा हम लोग। पिछले महीने उसका अमृतसर में देहांत हो गया, उसने बहुत दौलत छोड़ी है। मालती से तुम्हारा संजोग हो गया तो तुम्हारे बाग जाग उठेंगे। शान से क्लिनिक खोल कर प्रैक्टिस करना। आलीजा, बीमारों की इसी परेशानी के पेश नजर मैंने मुल्क में निजी शफाखाने कायम कराए। खूब बात को अब इसी शहर में देख लीजिए, 4 निजी शफाखाने मेरे चचा के और 3 मेरे फूफा के। आप यहाँ कैसे? बस जबरदस्ती में, आप सब और कुछ नहीं। यानी हमारे होते हुए आपके अहले खाना के साथ ये जुल्म? इंस्पेक्टर जिनो, आप सब सुल्तान मियाँ हमारे बचपन के दोस्त हैं, हमारी जमानत पर इनके छोड़ने का बंदोबस्त किया था। देखिए ना, मोहल्ले में एक तमाशा बन जाता है, लोग जली पे तेल डालकर और तफरी लेते। होना तो ये चाहिए था कि सगे भाई बहन आज लड़े थे, कल गले मिल लेते। धोबियों की ऐसी आला कारकर्दगी तो किस्से कहानियों में भी नहीं सुनी थी हमने। कल एक नौजवान हमारे महल गया था, हमारे मुलाजमों को कपड़े देकर आया था, हम उस धोबी को देखना चाहते हैं। तनी कैसे कैसे लोग आ जाते हैं भाई मेरे। मैं अपनी नींद को 3 दिनों से पलकों पे लिए हुए घूम रही हूँ। तो अपनी पलकों पे लेके घूमो, मेरे कंधे पे काको लेके घूमते हो? ठीक है आराम से बैठो। मुझे मालूम इतनी आसानी से 5 लाख रुपए और बंगला तुम्हारे नाम नहीं करेंगे। मुझे तस्वीरें जो काम दिखाएंगी वो तुम सोच भी नहीं सकते। आपने एक मरतबा फरमाया से सर कि शिक्र चाहे पहाड़ों में रहता हो या जंगलों में, उसे तलाश करो, ढूंढ निकालो। तो मैंने ढूंढ निकाला, वो इस कोठी में रुको सर। भाई जीते जी आदमी को निजात हो या ना हो, लेकिन औरत अगर शादी कर ले तो उसकी मुश्किलात में कमी जरूर हो जाती है। तो तुम्हारी मुश्किलात तो कम हो जाएंगी ना। मेहनत करता था सुबह से शाम तक, पुरानी मोटरसाइकिल उठाए साइटों पे मारा मारा फिरता था, लोग इज्जत करते थे। 2 पैसे का मकरूज नहीं था किसी का, आज लाखों रुपए का मकरूज हूँ। ये किया है तुम्हारे आफ्ताब ने? वो अपनी नहीं है, वो ये बतला रही है कि अगर कोई मुसीबत पड़ जाए तो उससे किस तरह निपटा जाए। भाई अगर जहाज समंदर पर से गुजर रहा हो और खुदा ना खास्ता खराब हो जाए तो ये लाइफ जैकेट पहनिए और कूद जाइए। देखो खाला, ये नामो नसब के जमाने कब के लग चुके, अब कौन बैठा है देखने के लिए कि वो तुम उनकी नवासी हो। और तुम ही बताया करती थी कि तुम्हारा बकाया खानदान वहाँ दिल्ली शहर में अब भी भीख मांगता है। सब ये तो आप जानते हैं कि हमारे हाथ बहुत लंबे हैं। हम ये खबरें सदाकत के साथ और सबूत के साथ कहीं ना कहीं से हासिल कर लेंगे। आप मुतमईन? महाराज सेवक लालचंद को इजाजत दीजिए, हिंदुस्तान के चंद तहाइफ आपकी नजर करना चाहते हैं। मुसलमानों के सियासी हुकूक और निगहदाश्त के लिए एक सियासी तंजीम कायम की जाए जिसका नाम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग हो। उसके माँ बाप ने कहा कि वो कराची में मुलाकात करता है और आपके यहाँ किराएदार है। हम कराची आए थे, जाते वक्त हमने सोचा कि जमात से मिलते चले। वो बात जो हम दूसरे से करते हैं उसमें उसकी इज्जत, उसकी सलामती और सबसे ज्यादा अल्लाह की रजा जरूरी होती। हर काम के करने में इंशाल्लाह का लफ्ज लगाना जरूरी होता है, वरना उस इरादे की कामयाबी मशकूक हो जाती है। हिंदी शुद्ध भाषा, देवनागरी लिखाई। शर्मा जी, फिर मैं और आप तो लिखते और पढ़ते समय एक दूसरे को तका ही करेंगे।